गाइस कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं अमित इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज की वीडियो बताने वाले हैं कि सैटेलाइट डीपी मीटर से अपना डिश छतरी कैसे सेट करें। काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चन आ रहे थे, तो आज वीडियो में हम ए से जेड तक फुल जानकारी देने वाले हैं कि सैटेलाइट डीपी मीटर से अपना डिश छतरी कैसे सेट करें। अगर आज की वीडियो आप ये पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सैटेलाइट डीपी मीटर से अपना डिश छतरी कैसे सेट करते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन को दीजिए ऑन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम अपने छत पर आ चुके हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डिश छतरी लगा हुआ है। आज वीडियो हम इसको सेट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज वीडियो हम इसको फुल सेट करने वाले हैं और इसका सिग्नल मिलाने वाले हैं, और आप लोग को बताएंगे किसे आपको कैसे सेट करना है। बिल्कुल आसानी से आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सैटेलाइट डीबी मीटर रखा हुआ है, हम इसी से अपना डिश छतरी सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक केबल रखी हुई है, हम इसी से अपना डिश छतरी सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है और कैसे अपना डिश छतरी सेट करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सैटेलाइट डीपी मीटर है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा 2 LMB और 2 REC, ठीक है। तो आपको जहाँ पर 2 LMB लिखा हुआ है वहाँ पर आपको LMB का वायर लगाना है, और जहाँ पर 2 REC लिखा हुआ है वहाँ पर हमको सेटअप बॉक्स का वायर लगाना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो LMB लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका वायर खोल लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से लगा हुआ है, तो इसको हम खोल लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ये वाला वायर है इसको हम लगाएंगे REC पर, ठीक है। और जो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें हम दूसरी केबल लगा के LMB में लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको RC वाले पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मतलब सेटअप बॉक्स का केबल है, तो इसको हम REC पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसको लगाकर फुल टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, इस पर जो हमारी जो 2 मीटर की वो हमने केबल ली थी इसको लगा देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो केबल हमारे पास थी इसको लगा कर हमको LMB में इसको लगा देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब अपने इसमें LMB में इसको लगा देते हैं और फुल टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको LMB में लगा दिया है, और आपको एकदम फुल अच्छे से टाइट कर देना है। फिर उसके बाद हम आपको बता दें कि आपको कैसे सेट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मीटर की लाइटें जल रही हैं, और हमारी इसमें की सुई बिल्कुल 0 पर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डिश छतरी सेट नहीं है और इसमें सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो आप लोग वाई लूम के तरीके से एक यहाँ पर जो है बटन लगा हुआ है, इसको आपको घुमाना है और 2-3 पर इसको रखना है, ठीक है। आपको इसको 2-3 पर रखना है, और उसके बाद अपने डिश छतरी को घुमाना है, ठीक है। तो हमारी जो मीटर की सुई है इसको आपको 2-3 पर रखना है, फिर उसके बाद हम इसको अपने डिश छतरी को घुमाते हैं और फिर सेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको 2-3 पर रख दिया है, और अब अपने डिश छतरी को हम घुमाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लेफ्ट घुमाना है, फिर उसके बाद राइट घुमाना है, फिर उसके बाद ऊपर नीचे घुमाना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिग्नल बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारा जो सिग्नल यहाँ पर बढ़ चुका है। यहाँ जो वाई लूम वाला स्विच है इसको थोड़ा और कम कर देना है, फिर उसके बाद हम अपने डिश छतरी को और जो है सेट करेंगे, ठीक है। आपको लेफ्ट राइट घुमाना है, ऊपर नीचे करना है, बहुत ही आपको धीमे से करना, मतलब बहुत आराम से करना है, ताकि हमारा डिश छतरी ज़्यादा हिले ना और अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सुई ऊपर नीचे हो रही है, और ये अभी 7-8 पे शायद है, ठीक है। अभी हमारा डिश छतरी जो है अच्छे से सेट नहीं हुआ, मतलब सेट हुआ है, ज़्यादा अच्छे नहीं सेट हुआ है। तो अपनी डिश छतरी को और घुमाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि सुई अभी हमारी बीच में है और बार बार ये ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है। तो और उसके बाद जब हमारी सुई 10 नंबर पे आ जाएगी, बस उसके बाद हमारा डिश छतरी बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारी सुई ऊपर नीचे हो रही है और सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम अपने LMB का जो है जो पेंच लगा हुआ है इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं, और अपने LMB को भी हम घुमा कर देखते हैं कि शायद यहाँ से सेट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको घुमा रहे हैं, और ये जो शायद थोड़ा बढ़ा हुआ था उसके बाद कम हो गया, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बढ़ चुका है, और ये सुई हमारे बीच में है, अभी हमारा बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको और घुमाते हैं अपने डिश छतरी को, उसके बाद ये जब हमारा सेट हो जाएगा, बस हमारे अच्छे से टीवी चलने लगी, हमें LED टीवी चलने लगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 9 तक पहुंच गया है, अभी इसको 10 तक पहुंचाना है, 10 तक पहुंचेगा बस हमारा सेट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको घुमाकर 10 तक पहुंचा दिया है, और हमारा डिश छतरी बिल्कुल आसानी से सेट हो चुका है, ठीक है। तो आपको ऐसे अपना डिश छतरी सेट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके दोनों केबल को निकाल लेते हैं, और जो हमारी LMB में केबल लगी थी उसको वहीं पर लगा देते हैं। फिर उसके बाद अपने टीवी ऑन करके आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा उसमें सिग्नल सेट हुआ है या नहीं सेट
हुआ है और हमारी टीवी कैसे चल रही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने मीटर से दोनों केबल को निकाल दिए हैं और जो हमारे LMB में वो जो केबल लगी हुई उसको निकाल कर जो हमारे सेटअप बॉक्स में केबल जो है लगी थी वही हमको लगा देना है फिर से। ठीक है, तो हम इस वाले केबल को निकाल देते हैं और अपने इस वाले केबल को लगा देते हैं। ठीक है, इसमें जो केबल हमारी इसमें लगी थी वही आपको लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारी टीवी कैसे चल रही है और हमारा अच्छा सा सिग्नल इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि अपने इस केबल को लगा देते हैं, फिर हम फटाफट से नीचे चलते हैं और अपने टीवी ऑन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि हमने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और हमने अपने केबल को लगा दिया है। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है, बस आपका डिश छतरी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी टीवी रखी हुई है और यहाँ पर हमारी टीवी अच्छे से चल रही है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 53-52 सिग्नल हमारा आ रहा है और जो कि हमारी टीवी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अपना डिश छतरी सेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम दूसरा चैनल लगाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सभी चैनल अच्छे से चल रहे हैं और इसमें जो है सिग्नल भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा 53-54% सिग्नल है और अच्छे से टीवी में चल रही है। तो आप लोग ऐसे सेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब में बहुत अमूल्य है।